अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पे आ ही गए, अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइए, पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। सो अभी हम मैं और अम्मी जा रहे हैं, अम्मी को थोड़ा कुछ दूर रहेगा तब मेरे लिए कपड़े लेने दे, तो करारी जा रहे हैं शॉपिंग के लिए अम्मी के। तो मैंने सोचा एक व्लॉग बना लेती हूँ, तो आप भी चले हम क्या लेते हैं क्या नहीं लेते वो भी देखे, तो फिर चलते हैं। सो गाइस अभी हम लोगों ने चिंकी मिल गई, चिंकी लग रहे हैं यहाँ कहीं बच्चे दिए, चले पहले देखते हैं किधर दिए चिंकी बच्चे। इधर नहीं ना चिंकू, इधर तो बैठी हो, चलो चलते हैं अम्मी, देर हो रही है, चलो इधर ही कहीं दिए लग रहा पड़ा। चिंकी बाय बाय, पता नहीं चिंकी किधर बच्चे दिए, दिखे नहीं उधर। देखे अभी हम लोग साथ नहीं आए क्योंकि बच्चे दिए ना, इस वजह से, नहीं तो ऐसे अगर अकेली होती तो साथ ही साथ आती, रुकती नहीं साथ ही चलती पूरे जहाँ भी जाते। अभी हम लोग क्रॉस रोड पे पहुँच चुके हैं, सो इधर अभी लेंगे यहाँ से रिक्शा फिर जाएंगे। और आज मौसम बहुत अच्छा है, आज धूप भी निकली है, कोहरा भी नहीं है, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, स्वेटर पहने भी गर्मी लगने लगेगी। और यहाँ पे झूले पे छोटे छोटे बच्चे झूल रहे हैं इधर, और यहाँ पे ताज़ी ताज़ी मूँगफली मुंजी जा रही है वही गरम गरम। सीएनजी से ना ये बहुत जल्दी पहुँचाते हैं, लेते जाएंगे। और वो जो एक पेड़ दिख रहा है ना, उसी के जस्ट नीचे मेरी अब्बू की शॉप है, दुकान है छोटी सी, दिख नहीं रही यहाँ से। सो गाइस अभी हम लोग रिक्शे में बैठ चुके हैं, अभी बस जाने वाले हैं। तो अभी मिलते हैं फिकरारी में, मार्केट में शोर बहुत, आवाज भी नहीं आएगी। अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, अभी मार्केट की तरफ जाएंगे उधर उस गली से। सो यहाँ मेन रोड पे मार्केट है पर उतनी वो नहीं है, इसलिए हम अंदर से थोड़ा जाना पड़ता है, थोड़ा कस्बा टाइप है, फिर अंदर ही मार्केट है, अंदर ही अंदर बहुत सारी मार्केट है, तो वहीं जाना पड़ेगा। अभी चलते हैं, यहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी दुकान है, यहाँ से सामान अच्छे मिलते हैं। और अभी हम लोग मार्केट के अंदर आ चुके हैं, बस गली गली थोड़ा ही सा चार कदम चल के आना पड़ता है और मार्केट में आ गए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाती है, और पीछे थोड़ा छूट गई मेरी शूलेस, खुल गई थी तो वही बांध रही थी। तो यहाँ पर रोड के साइड साइड ही सारी शॉप हैं एकदम पास पास में, इधर से देखें, देख सकते हैं आप लोग। और अभी गाइस हम लोग इस वाले शॉप पे जाएंगे क्योंकि यहाँ पे कपड़े अच्छे मिलते हैं, और हम लोग ले जाते हैं कभी सकते हैं। सो अभी हम लोग शॉप पर आ चुके हैं, तो अभी मैं बैठी हूँ बेंच पे, अम्मी नीचे बैठी क्योंकि अम्मी ना ऐसी पहनी थी अपना सैंडल पहने, तो मैं शूज़ पहनी, तो फिर शूज़ उतारो फिर जाके बैठो, इसलिए नहीं बैठी, बहुत उलझन होती है। और पहले से यहाँ पे कस्टमर भी थे ढेर सारे, तभी वहाँ बिजी, अभी हम लोग को दिखा नहीं रहे सूट, बाकी अभी अम्मी को सूट दिखाने स्टार्ट कर दिए हैं। जॉर्जेट पे ना अम्मी वाला कलर अच्छा लग रहा है, पर अम्मी के पास इस कलर का है, और इधर भी दिखा रहे हैं बहुत सारे सूट, कम अच्छे इधर अच्छे नहीं दिखा रहे हैं, कलर है। कलर। और अभी ये दूसरा सूट दिखा रहे हैं हम लोग को, जो कि पिंक में है, थोड़ा पर्पल शेड में, इसका कलर नाम नहीं याद आ रहा मुझे, बोलते हैं पता नहीं क्या है, भूल गई नाम इसका। तो ये दिखाया जा रहा, बहुत ही प्यारा लग रहा है, जो कि पाकिस्तानी सूट है ये, बैक साइड का भी ये बहुत ही अच्छे से दिखा रहे हैं कि आप लोग भी देख रहे हैं, जो पसंद आए कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसका आस्तीन में भी थोड़ी सी मतलब कढ़ाई टाइप है, एम्ब्रॉयडरी की गई है, और ये दुपट्टा है, इसका दुपट्टा भी प्यारा लग रहा है, जो कि लेस इसमें दी गई है साइड साइड, और छोटे छोटे फूल बने बूटे जिसको बोलते हैं वही बने हुए हैं। और मुझे तो ये सूट बहुत प्यारा लग रहा है, अभी आपको कैटलॉग में भी दिखाती हूँ। सो ये मॉडर्न पहना हुआ है, प्यारा लग रहा है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इसका कलर भी अच्छा लग रहा है। और अभी इतनी जल्दी थोड़ी ना ले लेंगे जब तक कहीं और सूट ना देख ले लड़के, एक बार में ले ले तो फिर क्या है।
और ये दूसरा सूट भी दिखा है, निकालते निकालते इसकी पैकेट पूरी खराब कर डाले चैन वैन। और इधर ये भी सूट दिखा रहे ब्लैक कलर का, पर मुझे ब्लैक सूट पसंद ही नहीं, पता नहीं क्यों, मतलब सूट में नहीं अच्छा लगता ब्लैक। और बाकी ये भी पाकिस्तानी है दिखा रहे हैं, कुछ खास नहीं लग रहा है। अम्मी को दोनों दोनों ही नहीं पसंद आया, उनको जल्दी से नहीं पसंद आता, वो एक देखी है सूट तो बस वही मन में उनके रखा हुआ है कि वैसा लेना है, तभी वैसे ही ढूंढ रहे, देखते मिलता है कि नहीं। और ये एक ग्रे कलर के सूट दिखाए हैं, जो कि ये भी सारे पाकिस्तानी इस टाइम चल रहे हैं, ऑर्गेंजा पे और जॉर्जेट पे सब तरीके के। तो ये इसमें के फ्लावर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े बने हुए हैं, बाकी दुपट्टा तो प्यारा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, मगर कुछ इतना भी अच्छा नहीं था, ठीक ठाक था। और ये सूट जो है ऑर्गेंजा पे है, जॉर्जेट पे दुपट्टा है, अभी आपको दिखाती हूँ हाथ से। यहाँ पे जो नीचे बॉर्डर दी गई है ऑर्गेंजा की है, बाकी दुपट्टा पूरा जॉर्जेट का है, और लेस वेस लगी वो तो दिख ही रहा है। अभी वो दिखा रहे पिस्ता कलर का सूट, जो कि प्यारा लग रहा है, भरा सा है थोड़ा, अम्मी को बारात के लिए चाहिए तो उसके लिए ठीक है, पर वो भी अभी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि अम्मी लोग इतनी जल्दी नहीं लेती, वो देखती कहीं गड़ तो नहीं रहा है, कहीं कट तो नहीं जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, तो अभी वो पहले अच्छे से छानबीन कर ले फिर डन करेंगी। और लेकिन मुझे प्यारा लग रहा था, अम्मी को फिर जैसा पसंद आया वैसे ही वो लेंगी। और ये जो है पीच कलर के सूट दिखाए इन्होंने, ये भी पाकिस्तानी है, पता है मुझे ना इस जो ये लेस लगी हुई है जो लटकने वाली, उससे मुझे नफरत होती है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद ये वाले सूट, मुझे सूट नहीं मतलब लेस, मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा, सूट भी कुछ खास नहीं है ये वाला। इसका बॉर्डर ऐसा अम्मी के पास है, ऐसे बॉर्डर का दुपट्टा और इसी कलर में है सूट, तो ये वाला तो लेंगी नहीं। और ये एक सूट दिखाया इन्होंने, जो कि ये बहुत चल रहा है, इसने के बहुत सारे सूट मैंने देखे हैं कलरफुल में, कलर में, जो कि कुछ खास नहीं लगा, बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, जिसको जैसा पसंद हो। तो इसमें जो है दुपट्टे में थोड़ा थोड़ा रेड रेड ऐसा फुल टाइप नहीं, कढ़ाई धागा शायद भरा हुआ है, पास से देख के बताती हूँ, हाँ धागा ही टाइप है। और लेस जो है वो पिंक कलर की लगाई गई है, तो कुछ कॉम्बिनेशन मुझे जमा नहीं इसका। और ये एक सूट दिखाए हैं जो कि पिंक कलर का है, लाइट पिंक है, वो भी ठीक लग रहा है, और इसका दुपट्टा भी जॉर्जेट पे है, और ये सूट भी जॉर्जेट पे ही है। और अभी ये एक और सूट दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे कलर दिखा रहे हैं कि मुझे तो नाम भी नहीं पता, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाते हैं, लेकिन मुझे ये सारे कलर बहुत ही प्यारे लगते हैं। और अम्मी जो है ना ये वाला जो मुझे अच्छा लगा था, थोड़ा भारी सा था ये पिस्ता वाला, तो इसको अम्मी देख रही हैं अभी, पता नहीं देंगी कि नहीं, वो भी सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी देख रही हैं। और ये एक सूट दिखा इन्होंने जो कि है चॉकलेटी कलर का है, तो ये भी चिनॉन कपड़ा है, इस एक आता है कपड़ा अच्छा होता है, हाँ, तो ये भी अम्मी को चाहिए थे इस कपड़े में, है। पर कम अच्छा लग रहा है सूट, बाकी ठीक ठाक है। और अभी भाई जो है बहुत सारा लेकर आया है सूट, और जहाँ हम लोग आते हैं करारी, यहाँ पे यही खासियत है आप मार्केट में, मतलब कि जितने भी अगर आप लेंगी भी नहीं फिर भी वो कहेंगे आप देख तो ले देख तो ले, तो अभी वो दिखा ही रहे हैं। तो ये कम अच्छा लग रहा है, जो कि जरी पे है ग्रीन कलर में, ऐसे कलर मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, बाकी सबके लिए पसंद आती, मैं बोल रही हूँ मुझे नहीं अच्छे लगते, तो सबको तो अच्छा। ऑर्गेन्जा सॉफ्ट वाला है क्या ये? तो ऑर्गेन्जा नहीं लग रहा, जॉर्जेट है क्या? इसकी देखो ये सलवार है, दुपट्टा भी देखो अच्छा है। और ये सूट जो दिखाया है लाइट स्काई ब्लू है थोड़ा सा कलर, तो ये एक सूट मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें जो है ना रेड रेड फूल जो बने वो कम अच्छा लग रहा है। और जो भी अच्छे सूट होते हैं ना उसमें दुपट्टे बड़े ये अजीब होते हैं बहुत ही हल्का, जैसे भी उधर पहले दिखाए थे इसके सूट, तो उसमें भी ऐसे दुपट्टा एकदम हल्का सा था। और ये जो सूट दिखा रहे हैं मुझे तो बहुत ही प्यारा लग रहा है, अभी तो जो हैंड एम्ब्रॉयडरी पे है, और जो इसका कपड़ा है जॉर्जेट पे है, जॉर्जेट पे कपड़ा है इसका, प्यारा लग रहा है। इसमें छोटी छोटी कढ़ाई है, वो भी हैंडवर्क है पूरे में, और पर ये किस्में की ख़राब बात कितनी है कि दुपट्टा कितना ही अजीब सा दिया हुआ है, एकदम हल्का कि सारे सूट में सूट की पूरी रौनक ही ख़राब कर दी, इतना बेकार दुपट्टा देते हैं पता नहीं क्यों जो भी जो सूट बनाते हैं ये। और ये जो सूट है मुझे प्यारा लग रहा है, जो कि पिंक कलर का है, लाइट पिंक है जो, और इसमें जो है एम्ब्रॉयडरी इसमें मशीन वाला वर्क है, पर अच्छा लग रहा है। और जो है ये लाइट ग्रीन पर दिखा रहे हैं सूट, ये भी प्यारा लग रहा है। कलर देखो, चार कलर है, क्या सूट देखो अच्छा लगेगा, बन जाएगा तो देखना बनने पे।
पैच नहीं, और मुझे यहाँ पे एक अलग अलग ही सूट देखने को मिला जो कि रेनबो टाइप था पूरा जी। अच्छा नहीं लग रहा मगर ठीक ठाक, इसकी जो वर्क है वो अच्छा लग रहा है, बस ये कलरफुल कुछ ज्यादा ही हो गया है। और ये जो सूट दिखा रहे हैं मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है, इसमें एकदम सिंपल सी कढ़ाई है जो कि ये वर्क है, और जो नेक पे बना हुआ है ऐसे ही गोला सा बना हुआ डिजाइन, और बाकी नीचे लेंथ में भी अच्छी डिजाइन दी गई है। और इसके ऊपर ये भी दिखा रही भी ठीक ठाक, पर कुछ ज्यादा ही भरा ही दिख रहा है, कलर भी अच्छा लग रहा है इसका। और एक सूट और भी दिखा रहे हैं जो ये पिंक कलर का नीचे पड़ा हुआ है, बेबी पिंक एकदम लाइट सा है, क्रीम भी दिख रहा है वो जो भी कलर हो, और तो भी ठीक ठाक था। और ये जो ऊपर पाकिस्तानी दिखा है इसमें जो है पैंट में भी डिज़ाइन थी, और ये भी प्यारा लग रहा था सूट, इसमें पूरा पाकिस्तानी तो है ये, कितनी बार बताऊँ मैं। और इसमें दुपट्टे में भी नीचे ऐसी वर्क था, प्यारा लग रहा है ये भी। और मैं तो मुझे तो लग रहा है आज मैं ना सूट बेचने वाली बन गई, या कोई भी ऐसी शॉप वाले ऐसे बता रही हूँ, मुझसे बताते बन भी नहीं रहा है, पर जैसे बता रही हूँ अपने हिसाब से ठीक ठाक ही होगा, जैसा जो भी गलती हो बताइएगा कमेंट में। और ये भी सूट प्यारा लग रहा है जो कि पाकिस्तानी 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 बोल बोल के मैं थक गई हूँ, अब मैं नहीं बोलूँगी पाकिस्तानी, पर अच्छा लग रहा है सूट ये भी। इसका पैंट भी है बना हुआ पूरा सूट, इसमें सिलना नहीं पड़ेगा, बस फिट फिट करना पड़ेगा, बाकी लेस लगा दी, मेरे दिमाग खराब हो गया, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, पर लेस निकाल भी सकते हैं। और दुपट्टा भी इसका प्यारा लग रहा है। सो ये बनारसी पे सूट है, इसमें लेस लगी है चौड़ी चौड़ी सी ना, पैंट बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। ऐसे में पूरा नहीं आ रहा, ऊपर से नीचे लो, ऊपर से लेके पूरा सूट पार्लर में, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस अभी सारी दुकान जो है तहस नहस हो चुकी है, यहाँ से वहाँ तक देखें पूरा फैला हुआ है भैया। और अभी अम्मी को सूट भी नहीं पसंद है, क्योंकि जो पसंद है उसमें दुपट्टे अच्छे नहीं लग रहे, अम्मी बहुत हल्के भी है, आप देख सकते हैं। गरारा उधर दिखा रहे ना, उधर गरारा देखे जा रहे हैं, और इधर सूट गरम लेवा करो तो कभी भी ले, क्रीम कलर का है ना मी थोड़ा सा। नवंबर और दिसंबर जनवरी में तो काफी गर्म ढूंढती हो, सब आदमी गर्म गेज में ढूंढ चुका है, बेचते है रेटा भी नवंबर में शुरुआत में आता है, कोई नहीं मंगाता। सो गाइज अम्मी को जो है ना एक भी सूट पसंद नहीं आया, पर मुझे तो बहुत सारे पसंद है, पर वो मुझे दिलाती नहीं है क्योंकि मेरे पास है ना ऑलरेडी, इसलिए वो मुझे नहीं दिलाएगी, तो इसलिए। पर मुझे अच्छा लग रहा है सूट, और अम्मी को तो नहीं अच्छा लगा, तो अब जा रहे दूसरी शॉप पे, देखते पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि इनके मन में जो एक बार सूट चढ़ा था तो वही लेती हैं। और अभी हम लोग आते हैं यहाँ कॉस्मेटिक की शॉप पर, यहाँ इतनी भीड़ थी, यहाँ पे लेस वेस चाहिए थे हमें बहुत सारी चीज़ें, क्लेचर वगैरह सब, और यहाँ इतनी भीड़ थी कि हम लोग मिला ही नहीं, जगह ही नहीं मिली, तो हम लोग वापस आ गए। और यहाँ पे जैब आए हुए हैं, और यहाँ मुझे टिकने नहीं देंगी, तो यहाँ पे अभी गद्दा तो भरा जाता है ना, रुई तागी जाती, क्या कहते हैं, धूनी जाती, तागी, पता नहीं क्या बोलते हैं, एक मिनट इधर रहेंगे तो भूत बन जाएंगे। और ये है बैग वाली शॉप, सब चलते हैं आज, वही सारे बैग्स हैं। और अभी हम यहाँ दूसरी शॉप पर आ चुके हैं, तो अम्मी को ये वाला सूट काफ़ी अच्छा लगा, प्यारा भी लग रहा था, एकदम अच्छा कलर था, और नीचे इसमें का पिंक रखा हुआ है सेम नहीं है, तो अम्मी ने ये वाला डन कर दिया, अब ये वाला ले लेंगे सूट, तो अभी शेयरिंग के लिए हम देखेंगे, क्योंकि उसे भी चाहिए था, तो अभी देखते हैं इनके यहाँ है या नहीं, क्योंकि उसे पाकिस्तानी चाहिए, तो मुझे अभी पाकिस्तानी यहाँ दिखा नहीं रही है, तो अच्छी नहीं लग रही है। जो था ये हैंड एम्ब्रॉयडरी का था, अच्छा लग रहा था, पर इतना कुछ खास भी नहीं था, हम लोग के टाइप नहीं था जैसा हम लोग को चाहिए। और यहाँ पे जो है वो दिखाते जा रहे हैं, हमें अच्छा तो लग नहीं रहा, हमने बोला कि रहने दीजिए मत दिखाइए, पर बोले देख लो शायद पसंद आ जाए, तो अभी देख रहे हैं, और आप लोग बताइएगा अच्छे लगे कि नहीं यहाँ पे आपको सूट कोई से भी। सो गाइस हमें यहाँ सूट कोई नहीं अच्छा लगा, तो अभी हम सब जा रहे हैं उधर जूती लेना है अम्मी के लिए। और यहाँ पे जो है इन्हीं के यहाँ ये आया हुआ बनारसी, कलर भी इतने कुछ खास नहीं, प्रिंट भी नहीं अच्छे, ऊपर वाला अच्छा लग रहा था जो ये था डार्क मरून कलर का, और इधर सर्दियों वाले सूट आए हुए हैं, तो ये भी अच्छे लग रहे थे,
मैं छोड़ देती हूँ। तो अभी यहाँ पे ठंड का सीजन चल रहा है तो बाजरे की रोटी न खाए तो फिर तो वही है। तो यहाँ पे हम लोग बाजरा अम्मी देख रही हैं, देखे अच्छा हमें बाजरे की रोटी माया बनती चूल्हे में, वो भी उसका ब्लॉग मिलेगा आपको। लगा भैया। तो अभी अम्मी 250 ले रही है, 250 कितना होता है? 3.5 किलो। 3.5 किलो तो वही ले रही बाजरा। बाजरे की रोटी बनेगी और मलीदा बनता है जिसका ब्लॉग आप। भैया कुछ तो कम करो, कितने में दे रहे हैं? बार्गेनिंग चल रही। 130 में देंगे? नहीं देंगे, 140 में। चलो ठीक है भैया। 5 किलो कितने का होगा? 4-5 की तरह बोलो। 5 किलो कितने का होगा? 110 का। भैया मैंने बाजरा ले लिया है, कवर दिखेगा। 90 रुपए का हुआ। कितना है अम्मी? 4 किलो। 4 किलो है ये। तो गाइस मुझे यहाँ पे कवर अच्छा नहीं लगा, बस बाजरे लिए और चले आए। तो अभी कहाँ चलो, मफलर ले चलते हैं। आलू नए नए अभी खेत से निकले हुए हैं एकदम, सारी सब्जियाँ भी ताजी। नहीं मिलेगा सीधा नहीं। तो अभी हम लोग फुटवेयर शॉप पर आ चुके हैं और इस शॉप का नाम है लाइव फुटवेयर करारी, जो कि करारी का नंबर 1 फुटवेयर शॉप है। काफ़ी जानी मानी भी है। आप लोग आएंगे तो यही चौराहे पर ही क्रॉस रोड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वही बता रहे थे, बहुत लोग समझ नहीं पाते इसलिए। सो यहाँ पे ही मतलब अंदर ही सीधे ही आ जाए तो मिल जाएगी, आप लोग पता कर लेंगे वैसे। सो ये जो है ना मतलब यहाँ पे काफ़ी अच्छे ट्रेंडिंग शूज़ और सैंडल वगैरह आती रहती है, हमेशा नए नए आते रहते हैं, हम लोग यहीं से ले जाते हैं। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी भी होती है और अभी अम्मी वाली ट्राई कर रही है और मुझे पता है कि डेफिनेटली यहीं पे मिलेगी हमें कुछ जूती, क्योंकि जब भी हम लोग आते हैं कभी खाली हाथ गए ही नहीं, मेरी जाती है अक्सर ज्यादातर। तो अभी देखते हैं। हम दुकानदार हैं, अगर कुछ भी बताओगे तो आप। अच्छी लग रही पैर पे, अच्छी लग रही है, कंफर्टेबल है। वाह कितना प्यारा शूज़ है अम्मी, देखो छोटा सा लाइट भी लगी हुई है। हसन के लिए ले क्या? पर हाँ अपी ले गई थी उस बार हसन के लिए, वहीं इसलिए थे इलाहाबाद से, तो बाहर ही था उसके लिए तो वापस कर दी थी। तो भी देखते, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है पर उसके लिए देख कर लेना पड़े क्योंकि वो हल्का और चाहिए, उसके लिए भारी चाहिए नहीं, क्योंकि भी छोटा सा है तो लेंगे नहीं। पर देखा देते हैं आप लोगों को भी और देख लेते हैं, शायद अपी भी पसंद आ जाए शायद वीडियो देखे तो। और ये वाला शूज़ भी अच्छा लग रहा पर अभी उसके लिए है नहीं, इसमें छोटा साइज भी मिल जाएगा। तो अभी उधर ही चलते हैं क्योंकि अम्मी को जूती लेने वाली जूती डन है, तो चलते हैं अभी उधर ही। अम्मी ले लो, अच्छी लग रही है तुम्हारे पैर पे। हाँ प्यारी लग रही है, बहुत चलती है वाली पहना नहीं, लेकिन ये प्यारी लग रही है। 800 की जूती थी उसका, 7 नंबर दे दो। कौन सी बच्ची है? अच्छी लग रही बेचारे, खाना खा रहे थे खिचड़ी। तो गाइस आप सब खिचड़ी खानी खा रहे हैं, सही बात है। वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम्हें कौन सा लग रहा है? ले लो इसी का, गंदा कम होगा ना यार। हाँ? ये एक डिजाइन में है। डिजाइन हम लोग यहाँ पे शरीफा देख रहे हैं क्योंकि जल्दी से मिलता नहीं ना, तो इसलिए 100 रुपए किलो है, आधा किलो में 2। सही। तो सो गाइस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं और अम्मी जो हमने शॉपिंग की, अम्मी ने जो शॉपिंग की अपने लिए आपने देखा ही है। और जो चीज़ें अच्छी लगी और जो मोमेंट अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो पूरा लास्ट तक देखा करें। आपसे मैं पहले बोल चुकी हूँ क्योंकि मुझे वॉच आवर टाइम भी चाहिए, इसलिए कि पूरा वीडियो लास्ट तक देखा करें, स्किप ना किया करें। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो लाजमी है, तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।